Hello everyone and welcome back again to my another reaction video, and today I'm gonna react on a channel called Crazy XY Chat. Yeah, it's XY Chat or it's XYG, and the video is about we put camera in Bangar Fort at night. That is a shocking footage, and especially Bangar Fort, it's in Rajasthan, and it is commonly known as the most scariest place or most haunted place in Asia. So let's see what they have got. So without any further ado, let's watch the video. Hello guys, मैं हूं अमित और भाई साहब आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसा एडवेंचर करने वाले हैं जो कि वैसे तो गाइस काफी खतरनाक भी है, और आपको कहूंगा कि ऐसा प्लीज कुछ भी ट्राई मत ही करना तो ही ज्यादा बढ़िया है भाई। okay. भानगढ़ का नाम आप लोगों ने जरूर से सुना ही होगा, एशिया की सबसे भूतिया जगह, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया है भानगढ़, जिसको कि भूतों की नगरी कहा जाता है। वहां पर कोई कहता है रात में भूत घूमते हैं, आत्माएं घूमती हैं, भूतों का बाजार लगता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। और आप लोगों ने कहा, हमने कई वीडियोस बनाई थी भानगढ़ के, उसके बाद में आप लोगों ने कहा कि भानगढ़ के अंदर एक काम करो, रात को कैमरा रख करके छोड़ दो और फिर सुबह जाकर के देखो कि उस कैमरा के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है। आज हम यही करने के लिए निकल चुके हैं, हम जो है भानगढ़ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम है अजबगढ़ के किले के पास में। ये है गाइस अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ भानगढ़ को कहा जाता है भूतों की नगरी। तो हम अजबगढ़ पहुंच चुके हैं, भानगढ़ की तरफ जाएंगे, रात को रहेंगे कैमरा और भी कई चीजें करेंगे वहां पर, जो है हो सकता है रात को ड्रोन भी भेज दे, पता नहीं भाई क्या क्या, लेकिन बहुत रिस्की चीज हो सकती है। एक तो अपने आप में वैसे रिस्की है, साथ में हमारा जो कैमरा है उसका लॉस हो सकता है, फोन का लॉस हो सकता है, ड्रोन का लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो है 4:15 बज चुके हैं शाम के, और हम लोग अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे भानगढ़, लगभग 15-20 मिनट के अंदर, और उसके बाद में हमारे पास लगभग 1.5-2 घंटा रहेगा कैमरा वगैरह सेटअप करने के लिए। और हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर कैमरास लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा फोन भी लगा देंगे जिसमें हम वीडियो कॉल चालू कर देंगे। अब अंधेरी की वजह से ऐसे तो कुछ नहीं दिखेगा अगर सब नॉर्मल हुआ तो, लेकिन अगर कुछ अजीब गरीब हुआ तो भाई वो तो जो है अभी तो ये भी नहीं पता ही कैमरा लगाएंगे कहाँ। अभी किले के अंदर चलते हैं पहले, यहाँ से जो है लगभग 10-1 किलोमीटर और बचा है भाई साहब। फिलहाल हम भानगढ़ के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये जो जगह है ये है भानगढ़ का मार्केट, ये असली वाला ही मार्केट है। हम भानगढ़ के किले के अंदर आ चुके हैं, एंट्री हमने ले ली, हमने वो वाला पार्ट नहीं दिखाया, वो हम कई बार दिखा चुके हैं। लिखा हुआ है देखो प्राचीन स्थल भानगढ़, और भानगढ़ के बारे में जो पूरी हिस्ट्री है वो इसके ऊपर लिखी हुई है शॉर्ट में। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो मार्केट है बहुत फैला हुआ मार्केट है, गोल गोल सा भी है, जो मेन रास्ता उसके ऊपर भी काफी जगह है। ये है महल जिसके अंदर राजा रानी रहा करते थे, ये किले का गेट है, बाहर जो है इस नगर का गेट है जो पूरा भानगढ़ शहर है, लेकिन ये जो है ये जो मेन किला है अंदर उसका गेट है। इधर पे कुछ मंदिर हैं। कैमराज की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर गोप्रो कैमरा जो कि हम लगाने वाले हैं, हमारे पास में 1, 2 और यहाँ पर 3 जो है छोटे कैमराज है। गोप्रो दिखता छोटा है लेकिन क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी वाली लेता है, और एक कैमरा जो है वो 40,000 के आसपास आता है। तो बस ये चाहेंगे कि कैमरा जो है वो लॉस ना हो, लेकिन फिर भी रिस्क तो यहाँ पर है ही। और साथ ही साथ में एक फोन भी लगाएंगे और उसमें व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल जो है वो चालू कर देंगे। और उस उधर से जो है यार कैमरा को कहाँ रखा जाए, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ यहाँ पर इस कोने में रखा हूँ, इधर आओ इधर आओ। अरे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है गाइज, एक तो इसमें सेट कर देते हैं अपन, ठीक है, और एक कैमरा जो और कहीं करना पड़ेगा। चलो तो एक कैमरा को हम सेफली यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। You can keep the one camera at open space. चालू तो नहीं हो रहा यार ये, और गाइस मेरा दिल जो है फिलहाल वो कर रहा है धक-धक। But I'm just wondering how the battery will hold the whole night. जो कैमरा है वो ऑन हो गया यहाँ पे। अच्छा, ठीक है गाइस, देखो इसमें से जो दिख रहा है इसके कॉल से इसमें दिख रहा है, लेकिन अभी लाइट की रोशनी में आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी यहाँ पर रोशनी है ही नहीं। चलो गाइस अब नीचे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, और निकलते हैं किले से बाहर। फिलहाल एकदम ब्लैक आ रहा है और कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। ये तो मेरी वीडियो है, ये जो है हमारा जो कैमरा है जो वहाँ लगा है उसका फीड है। सूर्योदय से आधे घंटे पहले
सूर्यास्त से आधे घंटे पहले, सनसेट से 30 मिनट्स पहले जो एंट्री है वो बंद है, और हम लोग ये मान लो कि सनसेट के लगभग आधा पौन घंटे बाद तक वहाँ रुके थे। तो अभी जब ये space, एक घंटा होगा तो कॉल कर सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। right. तो गाइस हम लोग फिलहाल पेट्रोल पंप पर हैं और आप लोग देख सकते हो कि जो कॉल है उसको चलते हुए एक घंटा 29 मिनट 42 सेकंड हो गए। डेढ़ घंटे में जनरली जो कॉल है वो कट जाती है, तो हो सकता है कि अभी जो कॉल है वो कट जाए, लेकिन अगर इसकी बात करें कि फिलहाल इसमें आप देखो एकदम ब्लैक दिख रहा है। ये जो है यहाँ पर मैं हूँ जो कि कैमरा फिलहाल चला रहा हूँ, एक रूम में पहुँच चुके हैं, एक होटल रूम हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे ज़्यादा होटल्स या रूम्स भी नहीं हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर सोने के लिए जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस रूम के अंदर जो है आप लोग देख सकते हो। और भाई सोने से पहले सोचा आपको एक बार दिखा देते हैं कि माहौल क्या है। इधर पे जस्ट जो है किला है भूतिया वाला, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉन्टेड एरिया, और वाकई में ये जो एरिया है ये हॉन्टेड है। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है और हम लोग इस किले में सबसे पहले आ चुके हैं, कोई भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम लोग भग के जल्दी से ही आ गए हैं, फटाफट चल चल के। फोन कहाँ था? ये रहा है पुत्री, मैंने यहाँ देखा, मुझे नहीं दिखा, मैं एकदम से मैं बोलने वाला था नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ देखो जो हमारा फ़ोन है, हम इसको जैसा रख के गए थे ये एकदम वैसे ही यहाँ पर हमको मिल गया है, और अभी भी जो है ये चालू है। सुबह के 7:15 बजे हैं फिलहाल, 50% डेटा यूज़ हो चुका है फ़ोन का। अंदर शायद अंधेरा ही है, तो लाइट जला लेता हूँ, आ जाओ। ये रहा हमारा कैमरा, आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर है ना, ये हम लोग बाद में लगा करके चले गए थे, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के जस्ट 1-2 मिनट बाद ही, क्योंकि ये जो है इसलिए लगाई थी ताकि किसी को अगर ये दिख भी जाए तो उसकी नज़र एकदम से ना पड़ेगी, काली काली चीज़ क्या है, उसमें थोड़ा वाइट और ब्लैक दिखे तो इतना नज़र ना जाए एक तरीके से, इसलिए लगाई थी। तो भाई यहाँ पर हमको मिल चुका है, अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं, दूसरा भी है, चलो उसको भी ले आते हैं। और इसमें लगाया था दूसरा वाला कैमरा, मेरे को ये बताओ ये कैमरा नीचे कैसे गिरा? Maybe because of the bat. अरे कैमरा नीचे गिरा हुआ है, टेप कौन लगाया था इस पे? ऊपर था तब, इसके ऊपर जो है ये लगा हुआ है। और गाइस कैमरा ऑन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? It just happened because गाइस ऑन तो हो गया है, उसको भी ऑन करना। Wow. जो बैटरी लास्ट लॉन्ग 8% बैटरी है, कितना देर रिकॉर्डिंग करता है एक बार में? ये ऑन नहीं हो रहा है, जो हम वहां से लेके आए हैं वो ऑन नहीं हो रहा है, हो सकता है इसकी बैटरी डेड होगी। लेकिन इसकी बैटरी क्यों नहीं डेड हुई? उस दिन तो हम सुबह सुबह हमारे कैमरास को उठा करके भानगढ़ से वापस आ गए, और काफ़ी देर तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई है देखने की कि अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन गाइस मुझे लग रहा था कि शायद अंधेरा सा ही होगा, चमगादड़ की आवाज़ होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताता हूँ। सब लोग सेफली आ चुके हैं, सब लोगों ने जो है क्लिप्स को देखा है, सबका अलग अलग ओपिनियन है। हमने लगभग जो है 4-5 घंटे इस क्लिप्स को देखने में बिताए कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों दिख रही है, क्या है। बस कैमरा की बात करते हैं जो हमने पहले लगाया था। तो गाइस हमने जो है बहुत टाइम तक जो है सारी चीज़ों को देखा। फर्स्ट कैमरा के अंदर एक सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो रही वो ये है कि कैमरा में कंटिन्यूसली लाइट्स ब्लिंक कर रही है। अगर कैमरा कहीं अंधेरे में रखा रहेगा तो कोई चांस नहीं है कि उसके अंदर लाइट्स दिखेंगी अलग अलग कलर की, कभी रेड, कभी येलो, कभी वाइट, कभी ऑरेंज, अलग अलग कलर्स की जो लाइट है फ्लैश कर रही है कंटिन्यूसली, जो कि दूसरे कैमरा में भी नहीं है और आज तक हमारे किसी भी कैमरा में नहीं हुआ कि इस तरीके से लाइट्स फ्लैश कर रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। साथ ही कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हो। Really? Wow, that is something. फोन में तो हमको कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला था जो वीडियो कॉल पर था,
लेकिन गाइस जो दूसरा कैमरा है उसके साथ ऐसी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी गाइस। सबसे पहली बात तो कैमरा गिर गया, और इनफैक्ट गिरने का साउंड तक भी है कि कैमरा जो है उसको जैसे कि गिराया गया हो। अब पता नहीं गाइस, वहां पर बहुत सारे चमगादड़ थे, वो उड़ भी रहे थे, हो सकता है किस जानवर ने गिराया या पता नहीं किस चीज ने गिराया उसको। लेकिन अब आवाज सुनो एक बार, क्या आवाज है ये, क्योंकि वीडियो में तो कुछ नहीं दिख रहा, हालांकि हम वीडियो ऑडियो दोनों डाल रहे हैं। अजीब है ना। और गाइस कंटिन्यूअसली जो है इस कैमरा के अंदर काफी बार ऐसा हुआ कि ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई गेट खुल रहा हो और बंद हो रहा हो। ये आवाज कम से कम भी नहीं तो 20-30-40 बार आई है पूरे वीडियो में, बार 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 आ रही है। आप ये आवाज सुन लीजिए, एक चीज और इस कैमरा के अंदर ये हुई कि भाई कैमरा ऐसी जगह रखा था जहां एकदम डीप बिल्कुल अंधेरा था। फर्स्ट कैमरा भी ऐसी जगह था, दूसरा भी ऐसी जगह था जहां लाइट जाने कोई चांस ही नहीं था। लेकिन एक फ्रेम वीडियो में ऐसा आता है जहां पर कोई आवाज तो नहीं है लेकिन एक पीस ऑफ लाइट जैसा कुछ जो है वो एकदम से अपीयर होता है, लंबा सा टुकड़ा, और उसके बाद में डिसअपीयर होता है बहुत ही वियर्ड तरीके से, बहुत ही अजीब तरीके से, कि ये कहां से ये चीज आ सकती है वो भी रात के टाइम में। लेट्स सी, आप क्लिप देखो। लेट्स सी, लेट्स सी। इसी कैमरा में कहीं कहीं पर ऐसा भी साउंड है जहां ऐसा लगा कि जैसे कोई जानवर है वो शायद धीरे धीरे दहाड़ रहा हो या फिर थोड़ी दूरी पर दहाड़ रहा हो और उसकी आवाज हमको सुन रही हो। इस चीज के ऊपर सब लोग जो है अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि किसी और चीज की आवाज है, कोई कह रहा है हवा की आवाज है, पता नहीं क्या चीज है, लेकिन आवाज है जो कि नॉर्मली तो यार कभी नहीं सुनती ऐसी चीज, वो भी ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर रात को कोई नहीं रुकता, रुक ही नहीं सकता, अलीगल ही नहीं है। आप हमें कमेंट्स में बताना कि इन सब का क्या रीजन हो सकता है, इन सब के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है सब लोग, जिसको भी कुछ भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है, इस तो ये हुआ था भानगढ़ में, सब लोग घर आ गए, सब लोग सेफ हैं। ये तो है कि हमको आए हुए गाइस 3 दिन हो चुके हैं तब जाकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी के साथ में ऐसा कुछ गलत तो नहीं हुआ जो रिजल्ट था हमने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ओके, दैट इज अ नाइस नाइस वीडियो ऑफ व्हाट डू कॉल दैट नाइस वीडियो। इट्स नॉट अ इन्वेस्टिगेशन वीडियो बट इट्स काइंड ऑफ लाइक स्कैरी और नॉट स्कैरी बट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ चैलेंज वीडियो ऑफ कैप्चरिंग द moment, capturing the incidents of Bangor during night time. And it is weird that you guys can, you know, you guys can capture some few sounds that is totally different. And the light that was seen in the last from the second camera, that is weird. And about the footsteps walkings, I can hear the sound properly, and it will be more nice if you guys can show the visuals. No, I mean you cannot show the visuals as it is dark, but if you guys would have some little more lights, or if you guys can capture a bit of visuals, then it will be more clear that what the thing of that footstep was. Or GoPro is a good camera, but I would like to suggest you that if you guys try to, you know, capture those nights dark video, please do use night vision camera, so that without any light also we can see the
यू नो विजुअल ऑफ इट. ओके दैट्स इट फॉर टुडे. आई जस्ट लाइक वॉचिंग योर वीडियो एंड इफ यू गाइस वांट टू सी मोर रिएक्शन वीडियो काइंडली प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.